शैलेश की। CRPC 46(4) स्टेट्स दैट सेव CRPC 46(4) लेडीज के अरेस्ट के मामले में बताना चाहता हूँ, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अ वुमन शैल नॉट बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज एंड इफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर लेडीज इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर जो भी है शाल मस्ट स्टेट इन अ रिटन कंप्लेंट रिपोर्ट टू द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑब्टेन अ प्रायर परमिशन टू अरेस्ट दैट सेड लेडी विद इन द ज्यूरिडिक्शन वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। अभी मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको। सीआरपीसी धारा 46(4) ये कहती है कि किसी भी महिला को शाम को 6 के बाद और सुबह 6 से पहले अरेस्ट मतलब गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो फिर इलीगल अरेस्ट गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट माना जाता है, जिसके लिए आप जिस लेडीज को अरेस्ट किया जाएगा उसके फैमिली या वो वकील के जरिए कंप्लेंट कर सकते हैं हाई कोर्ट में, जिसे हेबियस कॉर्पस। आप वकील को पूछिए हेबियस कॉर्पस क्या है, किसको बोला जाता है। अगर जब पुलिस ऑफिसर आपको गलत तरीके से लेडीज को अरेस्ट करती है या किसी को भी अरेस्ट करती है आदमी को या लेडीज को इलीगल अरेस्ट, तब अभी मैं सिर्फ लेडीज के बारे में बताना चाहता हूँ कि किसी भी महिला को शाम को 6 के बाद और सुबह 6 से पहले उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में अगर कोई संगीन जुर्म है तो लेडी ऑफिसर को रिटर्न एक रिपोर्ट बना के वहाँ के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेकर ही उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको बुलाने का जो तरीका रहता है मैं आपको बताता हूँ, किसी लेडी के खिलाफ अगर FIR होती है तो शाम को होती है FIR, ठीक है, तो अरेस्ट नहीं कर सकते। उसके घर पे नोटिस या जहाँ पर भी लेडीज रहेगी उसको नोटिस दिया जाता है CRPC 41(1A). आई रिपीट CRPC 41(1A) स्टेट्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर पुलिस ऑफिसर। आप अपना स्टेटमेंट देने के लिए आप अपने वकील के साथ समक्ष पुलिस अधिकारी के सामने हाजिर हो जाइए अपना स्टेटमेंट देने के लिए, आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई, ठीक है, ऐसी प्रोसीजर रहते हैं। तो मैंने आपको जानकारी बताई कि किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते शाम को 6 के बाद और सुबह 6 से पहले, ऐसा करना वायोलेशन ऑफ ये है CRPC 46(4) का है, उल्लंघन करना। ऐसा करने से लेडी ऑफिसर सस्पेंड हो सकती है, उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। आपको लॉ की जानकारी नहीं रहती इसलिए मुझे हर बार बतानी पड़ती है, अगर आपको लॉ की जानकारी रहेगी तो आप अपने अधिकार हक के लिए लड़ सकते हैं, ठीक है। तो वापिस मैं दोहराता हूँ, CRPC 46(4) ये कहता है किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसा करना इलीगल अरेस्ट है, गैर कानूनी गिरफ्तारी है। आप फिर वो लेडीज ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं हाई कोर्ट में वकील के जरिए। वकील को सिर्फ बोलिए हेबियस कॉर्पस, क्या बोलेंगे, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। ईयरफोन लगा के सुनिए, ये सिर्फ मालूम थी और ये मैं मैसेज हर जो जितने भी मुंबई या ऑल ओवर महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर है उनको बताना चाहता हूँ नॉलेज के लिए कि आप उनको डिटेन अरेस्ट नहीं कर सकते शाम को 6 के बाद और सुबह 6 से पहले। टू ऑल
मुंबई लेडी ऑफिसर, ठीक है, हर एक पुलिस स्टेशन के लेडी ऑफिसर को, क्योंकि आपको लॉ की जानकारी ठीक तरह से नहीं है, आप अनजाने में किसी को भी उठा लेते हैं। पहले आप स्टडी कीजिए, हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स देखिए, ठीक है, अमेंडमेंट्स, सुधारना जो बोलते हैं, कायदे में सुधारना होती है, बदलाव, वो पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इमरजेंसी अर्जेंट और नेसेसरी है अरेस्ट करना, तो लेडी ऑफिसर को एक रिपोर्ट बना के जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ओके, ठीक है, शरीश के।